अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैं एक मैसेज लेके यहाँ पर आया हूँ। हमारे पूरे लद्दाख में इलेक्शन का जो माहौल चल रहा है, मैं उससे थोड़ा बाहर आया हूँ। मेरी एक गुजारिश है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से, कोर कमांडर से, जो हमारे ब्रिगेड कमांडर है द्रास के, ब्रिगेड कमांडर करगिल से, कि नहायत ही अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे एक वीर चक्र थे फतेह मोहम्मद मुश्कू वैली की होलाल के रहने वाले थे, जिन्होंने 1971 में वेस्टर्न सेक्टर में दुश्मन के साथ लड़ने के बाद उसको वीर चक्र मिला था। उनकी आलिया का इंतकाल हो गया श्रीनगर में और उनकी डेथ बॉडी जो है सोनमर्ग में पिछले 2 दिन से पड़ी है। बहुत ही अफसोस की बात है कि एक वीर चक्र की बीवी 2 दिन से अभी तक वहाँ पड़ी है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हमारे जो नॉर्दर्न कमांड है, जो हमारे कोर कमांडर है, हमारे 1-to-1 है या के जो कमांडर है द्रास के जो कमांडर है, और एडमिटिंग ड्यू से कि इसकी पार्थिव शरीर को, इसके जो मैत को जो है वो MI-17 के जरिए या जहाज के जरिए किसी भी तरीके से उनके घर पहुँचाया जाए। एक वीर चक्र होने के नाते मैं ऐसे सोशल एक्टिविटीज से गुजारिश करता हूँ। उम्मीद है इंशाल्लाह आज ही आर्मी इसमें एक्शन उठाएगी और सिविल इंतजाम, चूँकि द्रास की जो सिविल इंतजाम है उन्होंने अपनी कोशिश किया है, लेकिन वो जितना कोशिश करें अभी तक वो नाकाम हो गए हैं, लेकिन जितना सोचता उन्होंने किया है, हम एसडीएम द्रास को भी शुक्रिया अदा करते हैं कि कल 2 दिन से वो लगे हुए। लेकिन मैं इसमें यह कहूँगा कि आर्मी इसमें इंटरफेयर करके इस मैच को घर पहुँचाया जाए। शुक्रिया।